पर लिल पंप को उनके म्यूजिक के लिए भी हेट किया जाता है। और भी कुछ रीजन है, जैसे उनका अजीब सा फैशन सेंस हो गया, उनका एग्रेसिव अमाउंट में ड्रग प्रमोट करना हो गया, और ये जिस जॉनर की म्यूजिक बनाते हैं मम्मल, उसे हिप हॉप में ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता है। और सो वेलकम बैक गाइस, कि यार ज्यादा शब्द फुल सारे वदिया हम होंगे 9 मोस्ट हेटेड रैपर्स इन हिप हॉप पूरे में ख्याल वर्ल्ड दी है गल है। रैपबॉट भाई ने बनाई है वीडियो, आया देखिए कौन ने 9 मोस्ट हेटेड रैपर्स ते क्यों उन्होंने हेट मिली है, आज सुनते हैं। अगर तुम इंटरनेशनल हिप हॉप को फॉलो करते हो तो तुम्हें पता होगा कि हिप हॉप आर्टिस्ट के जो फैन हैं वो अपने आर्टिस्ट को कितना ज्यादा सपोर्ट करते हैं और उनसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं। पर ये चीज सारे आर्टिस्ट के लिए नहीं है। कुछ ऐसे भी रैपर्स हैं हिप हॉप में जिन्हें की हेट किया जाता है या फिर हिप हॉप में एक्सेप्ट नहीं किया जाता। ओके, सो इस वीडियो में हम वैसे ही 9 रैपर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिन्हें हिप हॉप में हेट किया जाता है, उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया जाता, या फिर उनकी जो फैन बेस है वो तो उनसे प्यार करती है पर न्यूट्रल हिप हॉप ऑडियंस उन्हें पसंद नहीं करती। और इस लिस्ट में जो ज्यादातर रैपर्स है वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, और तुम ये देख के शॉक होने वाले हो कि इतना टैलेंट होने के बावजूद भी लोग इन्हें हेट करते हैं। ओके, सो अगेन वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तुम बहुत कुछ सीखने वाले हो इंटरनेशनल हिप हॉप के बारे में। और अगर तुम मेरे DHH फॉलो करने वाले ऑडियंस में से हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए 100% बहुत क्रेजी होने वाला है, बहुत नॉलेज मिलने वाली है। सो वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो स्टार्ट। ओके, नॉलेज ज्यादा मुख्य है। करने से पहले चेक दी सॉन्ग ऑफ द डे। जब से मैं होश में हूँ लिखता रहता मैं वो शायर बना जो पैसे के लिए ना बिकता। अपने ही छोड़ के गए, अपने ही वो धोखे देते, पैसा कमाल है रे जिसको जितना उतना कमरे, मैं बंद कमरे में। सो भाई का काम मुझे बहुत ही सही लगा, बहुत बढ़िया काम किया भाई ने। तो मैंने इस गाने का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, लिंक में क्लिक करना और भाई के गाने में जाके कमेंट ड्रॉप कर देना। तुम रैपबॉट के चैनल से आए हो, रैपबॉट ने भाई को ढेर सारा प्यार भेजा है, भाई बहुत ही सही काम कर रहे हैं, बिल्कुल सपोर्ट डिजर्व करते हैं, जाओ भाई को सपोर्ट करो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस लिस्ट। और मैं बता देता हूं कि ये लिस्ट कोई पार्टिकुलर ऑर्डर में नहीं होने वाला है, तो ये ध्यान में रखना। सो 9 मोस्ट हेटेड रैपर इन हिप हॉप के लिस्ट के हमारे पहले रैपर है मशीन गन केली। So, एक टाइम पे मैं खुद मशीन गन केली का फैन था और मशीन गन केली के गाने रेगुलर सुना करता था। थिंग्स वेयर गोइंग स्मूथ फॉर मशीन गन केली, वो अपने गाने ड्रॉप कर रहे थे, अपने एल्बम ड्रॉप कर रहे थे, अनटिल ए इंसिडेंट हैपेंड जिसके बाद से उन्हें बहुत ज्यादा हेट मिलना स्टार्ट हो गया। एंड द इंसिडेंट वॉज मशीन गन केली डिस्ड एमिनम। Somebody grab some clippers, this fucking beard is weird. Talk from a rapper paying millions. देखो, अगर तुम उस रैपर को डिस करोगे जो ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट ऑफ ऑल टाइम में काउंट होता है, जिसकी फैन बेस इतनी बड़ी है, तो उसके बाद तुम्हें हेट मिलना ऑब्वियस है। सो जब MGK और Eminem की बीफ हुई तो उसके बाद से Eminem के फैंस ने MGK को बहुत ज्यादा हेट दिया, और अभी भी जो MGK के ज्यादातर हेटर्स है वो MGK और Eminem के बीफ की वजह से। बट नो डाउट MGK जो है वो बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट है। अभी भी मैं MGK के पुराने गाने और जो अभी वो नया जॉनर ट्राई कर रहे हैं म्यूजिक का, वो ट्रैक भी सुना करता हूँ। ओके, लेट्स मूव टू आवर सेकंड आर्टिस्ट जिन्हें बहुत ज्यादा हेट मिलता है हिप हॉप में। इस आर्टिस्ट का नाम है हॉपसन। So, जितने भी लोग अभी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर तुम्हें नहीं पता है या पता भी है तो मैं बता देता हूँ कि हॉपसन जो है बहुत ही टैलेंटेड रैपर है फ्रॉम लॉस एंजलिस USA। सो हॉपसन को हेट मिलने की रीजन ये है कि अपने स्टार्टिंग के करियर में ही हॉपसन ने बहुत सारे रैपर्स को डिस कर दिया था। I just don't like the direction Odd Future's going in, and I just don't think they make good songs. The beats are just horrible. Motherfucker, you not dope. So you try to get some attention by cussing and eating a fucking cockroach and goblin. You get... और starting में Hobson की जो image है hip hop में वो as a corny, arrogant और rude rapper बनी थी। पर अगर हम अब Hobson को देखें तब वो ज़्यादातर अपने music में ध्यान देते हैं और उनकी nature पहले से बहुत ज़्यादा change हो गई है। But still he is among one of the most hated rappers in hip hop. ओके, सो हमारे तीसरे इंडिया का कौन हो सकता है, कोई होगा इंडिया का रैपर? ये रैपर जो है इस लिस्ट में, ये तुम्हें मे बी थोड़ी सी सरप्राइज कर सकती है। इस रैपर का नाम है
Logic. Me and Jordan need a couple hearses. Double homicide, kill the beat and a versus. So Logic भी एक ऐसे रैपर है जिन्हें उनकी फैन बेस बहुत ज्यादा प्यार करती है, बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है, बट इन जनरल हिप हॉप कम्युनिटी उन्हें हेट करती है. और लॉजिक के हेट मिलने के बहुत सारी रीजंस है. लॉजिक जो है वो बाई रेशियल या फिर मिक्स डिसेंट के है. उनके जो फादर थे वो ब्लैक थे और उनकी मदर जो थी वो व्हाइट थी. पर तुम जब लॉजिक को देखोगे तो उन्हें देख के पता नहीं चलता है कि वो बाई रेशियल है. और इसकी वजह से लॉजिक को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है. लाइक जब वो अपने गाने में एन वर्ड यूज करते हैं तो लोगों को ये लगता है कि व्हाइट रैपर अपने गाने में एन वर्ड कैसे यूज कर सकता है. और इसको काउंटर करने के लिए लॉजिक ने बहुत बार अपने गानों में ये बताया है कि वो बाई रेशियल है. और बार बार बाई रेशियल होने की बात लॉजिक जब अपने गाने में करते हैं तो वो भी हिप हॉप कम्युनिटी को इरिटेट करती है. हिप हॉप इधे विच लॉजिक दी ते कोई दिक्कत नहीं ना यहां विच. वो तो फिर ऑडियंस गलत है, कम्युनिटी दी सोच गलत है. कम्युनिटी को ये भी लगता है कि लॉजिक जो है वो फेक कर रहे हैं और जैसे वो है वैसे अपने आप को नहीं दिखाते. अगर तुम लॉजिक को देखोगे तो वो बहुत ही डिफरेंट है बाकी रैपर से. वो महंगे चेन्स या फिर ज्वेलरी नहीं पहनते हैं, उनके बॉडी में तुम्हें टैटूज नहीं मिलेंगे, या फिर उनकी ड्रेसिंग स्टाइल है वो बाकी रैपर से बहुत ही कैजुअल है. और इन चीजों को लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते. तो अगर हम इन सब चीजों को साइड रखे तो लॉजिक इज वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड रैपर इन हिप हॉप, बट ही गेट्स हेट फ्रॉम हिप हॉप कम्युनिटी. ओके, सो हमारे चौथे रैपर जिन्हें बहुत ज्यादा हेट मिलता है हिप हॉप कम्युनिटी से वो है रस. रस तो यार बहुत कैंट बंदा है यार. रस तो मैं पर्सनली सुनता है यार रस नो. So, मैंने अभी रीसेंट कुछ दिन पहले एक वीडियो रैपर कम सिंगर फील होता है रस से ज्यादा बनाया था. इसमें मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया था रस को हिप हॉप कम्युनिटी क्यों हेट करती है. तो अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जरूर चेक कर. So, रस को हेट मिलने की बहुत सारी रीजन है. पहला रीजन है उनका कॉर्नी और एरोगेंट नेचर. रस ने मल्टीपल टाइम ड्रग कल्चर के ऊपर भी बातें की है जो कि हिप हॉप कम्युनिटी को पसंद नहीं आई. और रस जो है वो किसी ना किसी तरीके से कॉन्ट्रोवर्सीज में आ ही जाते हैं, चाहे वो बीट प्रोड्यूसर्स के ऊपर कमेंट करना हो या फिर रेशियल related tweet karna. And again, Russ is among one of the most talented and hardworking artists in today's hip hop, but he gets lots of hate in hip hop. It's okay, I love him. Okay, let's move to our fifth rapper jinhe ki hip hop mein hate kiya jata hai. Aur is rapper ka naam hai Lil Pump. So, अभी तक जितने भी रैपर्स आए थे इस लिस्ट में उन्हें उनके म्यूजिक या फिर उनके गाने के लिए हेट नहीं किया जाता था, पर लिल पंप को उनके म्यूजिक के लिए भी हेट किया जाता है. और भी कुछ रीजन है, जैसे उनका अजीब सा फैशन सेंस हो गया, उनका एग्रेसिव अमाउंट में ड्रग प्रमोट करना हो गया, और ये जिस जॉनर की म्यूजिक बनाते हैं मम्बल उसे हिप हॉप में ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता है. और अगर हम बात करें इनके गाने की तो अपने स्टार्टिंग के करियर में इन्होंने कुछ हिट ट्रैक्स दिए थे जैसे गुची गैंग, बट रिसेंटली लिल पंप से हमें हिट ट्रैक्स देखने को नहीं मिले. सो देयर आर सेवरल रीजंस जिसकी वजह से लिल पंप को हेट किया जाता है, और उसमें से एक लिल पंप की म्यूजिक भी है. ओके, लेट्स मूव टू आवर शकल बड़ी बड़ी बनाई लिल पंप ने और गला देख ला सिक्स रैपर. और इस रैपर का नाम है लिल ज़ैन. और लिल ज़ैन और लिल पंप के स्टोरी में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है. इन्हें हेट मिलने का रीजन इनका म्यूजिक है, इनका स्टेज नेम, और ये भी अपने गाने में बहुत ज्यादा ड्रग प्रमोट करते हैं. और एक इंटरव्यू में लिल ज़ैन ने टूपाक के बारे में ये बोला था. So these are some reasons जिसकी वजह से लिल ज़ैन को हिप हॉप में हेट किया जाता है. ओके, लेट्स मूव टू आवर सेवेंथ रैपर. और ये रैपर का नाम जो है तुम्हें बहुत ज्यादा सरप्राइज करने वाला है. मैं बात कर रहा हूँ XXX Tentation की. Triple extension. नहीं यार, इन तो लोग प्यार करते हैं, बहुत प्यार आया था बंदा यार. जल्दी चला गया दुनिया तो, जो काफी कम करना है दुनिया. So, as you know, कि X की बहुत बड़ी फैन बेस है, पर उन्हें हेट करने वाले लोग भी हिप हॉप में हैं. So, जब X अलाइव थे, he was surrounded with lots of controversy. In a No Jumper interview, X said this. And long story short, I was gonna kill him type shit because of what he did. Like, yeah, he just felt that. Bro, he was just staring, bro. I was naked, bro. Like, he was staring at me. You feel me? So I started I'm strangling him. Like, X की multiple rappers के साथ beef भी थी. X was also involved in domestic violence.
Prior to his death, X was facing multiple felony charges, including battery and aggravated assault of a pregnant victim, battery by strangulation, and false imprisonment. And he'd rapped about this before in 2017. No doubt, X is one of the most talented and revolutionary artists of today's generation. But there are few reasons jiski wajah se X ko hate kiya jata hai. Okay, let's move to our 8th. Okay, kuch nava pata lag gaya. 8th and my favorite artist in this list, is artist ka naam hai NF. That air out, air out. I've been searching. What does that mean, Nate? I've been learning. Grabbing my keepsakes, leaving my burden. Okay, so NF ko hate kiya jata hai, ye bolna thoda galat hoga, kyunki NF ko hate karne wale log bahut kam hai, par NF ko hip hop mein accept nahi kiya jata hai. I am a very big NF fan, but NF को NF के fans के अलावा hip hop में ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। और अगर तुम hip hop content creators को देखो, जो regular hip hop पे content बनाते हैं, वो भी NF को अपने videos में cover नहीं करते हैं। NF जो है वो normal hip hop artist से बहुत ही different है। अपने starting के career में उन्होंने as a Christian rapper अपनी identity बनाई थी। NF जो है वो hip hop से disconnected रहते हैं, वो बहुत कम लोगों के साथ collaboration करते हैं। उनकी dressing sense, उनकी lifestyle normal hip hop artist से बहुत ही different है। So these may be few reasons जिसकी वजह से NF को hip hop में accept नहीं किया जाता है। Okay, let's move to our 9th rapper and probably the most hated rapper in this list. और इस rapper का नाम है Tekashi 69. Now we catch him at the chicken spot. Up a couple chops. Pop that nigga with 100 shots. तो अभी तक इस लिस्ट में किसी रैपर को उनके बिहेवियर की वजह से हेट किया जाता था, किसी को उनके म्यूजिक की वजह से हेट किया जाता था, पर 6ix9ine के केस में ये दोनों चीजें वैलिड है। 6ix9ine को बहुत ज्यादा ट्रॉल किया जाता है उनकी लुक्स की वजह से। 6ix9ine जो है वो बहुत सारी बीफ्स में भी इन्वॉल्व हो चुके हैं, और जिस गैंग से वो पहले एफिलिएटेड थे, ब्लड गैंग, उस गैंग से भी अब 6ix9ine की नहीं बनती है। मल्टीपल चार्जेस है जो 6ix9ine के ऊपर लगी है, जैसे इलीगल वेपन रखना। On November 18th, 2018, 6ix9ine and his associates were arrested on racketeering and firearms charges, which included armed robbery and conspiracy to commit murder. Sexual assault with 13-year-old. When 6ix9ine was 18, he attended a party in Harlem where he participated in a sex video that he uploaded online, involving a girl who was just 13 years old. And more. So, after all this, hate milna quite obvious hai. Okay, so this was it. अगर तुम्हें इस 9 आर्टिस्ट में से किसी भी आर्टिस्ट के ऊपर एक प्रॉपर डिटेल वीडियो चाहिए कि उन्हें क्यों हेट मिलता है, तो प्लीज कमेंट कर देना उस आर्टिस्ट का नाम, मैं उस आर्टिस्ट के ऊपर सेपरेट वीडियो बना दूंगा। So, okay, so nice video, nice detail, मेरी कुछ पता लग गया international hip hop के बारे में भी, तो ये भी पता लग गया कि जो hip hop artist बनना है, जहाँ hip hop करना चाहता कोई बंदा, तो उन्होंने कड़ी-कड़ी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हेट घट तो घट मिले। बाकी हिप हॉप तो सोसाइटी साड़ी इदा दी आ कि हेट मिलना ही मिलना है, थोड़ा कोई ही बंदा किसी के म्यूजिक तो सैटिस्फाइड नहीं है, 100% कोई किसी को सुन के खुश नहीं है। ठीक है, हम आप पंजाबी इंडस्ट्री की गल कर लिए, कोई लोग सुल्तान के बहुत तगड़े फैन ने, कोई नहीं उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं, है ना, सुल्तान को कई लोग गाले कड़ते हैं, मतलब इदा हिसाब किताब है। हम जिम्मे पंजाबी इंडस्ट्री से सुल्तान काफ़ी हद तक रैप चलाया उन्हें, उस क्योंकि हनी सिंह बादशाह और इतना कमर्शियल आर्टिस्ट से उधर चले गए, ठीक है, अपना बॉलीवुड बॉलीवुड, बट ओवरऑल रैप पंजाबी इंडस्ट्री जिन्हें लोगों के दिलों से छाया जो बंदा वह सुल्तान सगा। उस तो बाद बहुत आर्टिस्ट आ गए, नसीब आ गया, कप्तान आ गया, बहुत बंदे आ गए, और फतेह, फतेह बहुत पुराना, फतेह ने रैप बहुत बाकमाल किया, मैं वो रैप बहुत फैन हाँ मैं फतेह का, ठीक है, काइंड ऑफ ऐसे फतेह पुराने हैं, फतेह और पुराने हैं, बट इंट्रोड्यूस इन्होंने करता, ठीक है, उस तो पहले जब बिल्कुल ही टॉप पर जाइए तो बोहेमिया सर, ठीक है, कोई उस बंदे तो उपर है ही नहीं, रैप की गल करिए बोहेमिया नैक्सट लैवल, पर हेट उन्होंने भी मिलती हैं, ठीक है, तो बाकी दैट्स ऑल। तुसी दसो कि तुहानू जे पंजाबी इंडस्ट्री की आप कोई गल कढ़ीए, गलबात कढ़ीए कि इन्हों हेट क्यों किया जाता, किवें जे आप बनाइए वीडियो, तो दसो तुहानू किहड़े रैपर्स पसंद ने, जे किहड़े रैपर्स हेट करदे हो, ठीक है, तो आप कढ़ दीए, तो बाकी दैट्स ऑल, मिलते सीधे ने।